मैं इस वक्त इस्लामिया अस्पताल के ट्रेजरर जनाब मुश्ताक सिद्दीकी के साथ हूँ। आज अस्पताल में एक नए पेशेंट के साथ अस्पताल में इंडोर की शुरुआत हो चुकी है। आज बहुत ही मुबारक दिन है। मुश्ताक साहब, आप आज के बारे में कुछ बताएं कि आज से आप लोग किस तरह का इनिशिएटिव ले रहे हैं और लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। अभी आप लोगों ने आपने देखा कि वो पेशेंट था और उसको लिया गया है, उसके इलाज के लिए लिया गया है, तो ये सिम्बॉलिक हुआ है, यानी कि लोगों को दिखाने के लिए यह ज़रूर दिखाई ये इसको एडमिट किया गया है, लेकिन ये भी बताया गया है लोगों को, बाखबर किया गया है कि अब हमारा ऑलरेडी एडमिशन स्टार्ट हो गया है। इसलिए जो पेशेंट जो नॉमिनल खर्च में यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता हो, जिस नॉमिनल खर्च में हमारा हॉस्पिटल चलता था जिस अंदाज से पहले, ठीक उसी अंदाज से आज भी चलेगा, लोग यहाँ पर आएँ और अब अपना इलाज करवाएं। सर, एक अस्पताल को चलाने के लिए करोड़ों का खर्च आता है, ऐसे में ये जो अभी फ़िलहाल जो शुरुआत हुई है तो इसमें तो बहुत सारे खर्च आए, क्योंकि सैलरी भी स्टाफ को देना है, डॉक्टर्स एंड नर्सेस को देने हैं, दीगर अखराजात भी है जैसे इलेक्ट्रिक है और भी दीगर चीज़ है, साफ़ सफाई का मामला है, तो ये खर्च अभी किस तरह से पूरा किया जाए। बात यह है कि ये बिल्डिंग बनने में बहुत रुपये लगे हैं हम लोगों के, हम लोग नहीं लगे हैं, पब्लिक के लगे हैं, हम लोगों ने चंदा वसूल किया है, दमन फैलाया है लोगों के सामने में, हुकूमत का तावुन रहा है, लगभग 3,75,00,000 रुपये हुकूमत से मिला हम लोगों को, फिर फराद हकीम साहब जो बहसे सदर के लाए थे दो साल कबल आए थे, उनके आने के बाद जो काम में तेज़ी आई थी, उन्होंने अपने ज़ाती इसको इस्तेमाल करके करीब 1.5 करोड़ रुपया वो लाए, और फिर बॉबी हमारे अमीजुल बॉबी साहब उन्होंने अपने ज़ाती इसको इस्तेमाल करके दूसरों के इस्तेमाल करके करीब करोड़ रुपया वो लाए, ऐसे हम लोग आपस में मिलजुल कर लाने के बाद ये हॉस्पिटल बना, और अभी भी हम लोगों को कुछ ओटी कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को बहुत सारे अखराजात हैं, जो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने हम लोगों को हत्या दिया है उनके अलावा और भी लोग सामने आएंगे, और या फिर जो दिया है वो भी हम लोगों को देंगे, जो फिर इतने नए लोग आएंगे वो देंगे, और जहाँ तक इकरादात का मामला है तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी तखमीना लगाया हुआ है कि लगभग हम लोग को 2 करोड़ रुपए की ज़रूरत है कम से कम 6 महीना का खर्च लेने के लिए, तो वो भी हम लोग अल्लाह ने चाहा तो प्लानिंग में है, कुछ प्लानिंग बनाया हुआ हम लोगों ने जो भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, उस प्लानिंग के तहत पैसा आ जाएगा अल्लाह ने चाहा तो, और फिर वो काम होगा। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि नर्सेज डॉक्टर की कोई जात कोई मजहब नहीं होती, उसी तरह अस्पताल का भी कोई मजहब नहीं होता है, लोगों के दिमाग में ये बात क्यों आता है कि इस्लामिया अस्पताल है तो सिर्फ मुसलमानों का इलाज होगा, इस कंसेप्ट को हम लोग कैसे दूर करें उन लोगों के लिए जो नए लोग आने वाले हैं या जो कतराते हैं कि भाई ये तो मुस्लिम नाम से है हम यहाँ कैसे आए। नहीं, ये नए लोगों का सवाल होता है, अफसोसनाक पहलू ये है कि जो नई नस्ल है उनको नहीं मालूम है, इसलिए वो लोग ख़ासतौर से गैर मुस्लिम नई नस्ल जो है उनको नहीं मालूम है, इसलिए वो सवाल करते हैं, वरना ये हॉस्पिटल तो 100 साल पुराना हॉस्पिटल है, ये अभी इसकी बिल्डिंग तामीर ना हुई एक अलग बात है, लेकिन ये हॉस्पिटल बहुत पुराना है और पुराने उन्हीं वक्तों से जिस वक्त से हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ है उस वक्त से बिला मजहब बिला तफरीक मजहब मिल्लत हम लोग यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं। मैंने देखा सर, यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं, कुछ जाहिदा या जुबैदा के नाम से, अनवर खान के नाम से, नासिर खान के नाम से, लेकिन जो इसके बुनियाद डाले थे जो जैसे मुल्ला जान मोहम्मद जान जो पहले इससे पहले इस हॉस्पिटल के जो बुनियाद डाला उनका नाम का बोर्ड मैंने कहीं नहीं। बात यह है कि एक लिस्ट हम लोगों ने बनाई हुई है, उसको हम लोग बहुत जल्द तख्ती के शक्ल में इंग्रेव करके मार्बल में डालेंगे, ये इन लोगों ने जिन लोगों का बड़ा अमाउंट आया था एज ए डोनेशन और इस शर्त के साथ आया था कि उनके नाम का तख्ती लगाया गया है, लेकिन असल में जो इसके बानी थे, बानी सर मुल्ला जान थे नहीं, बानी कोई और थे, वो बेचारा महरूम मर गया, चुनैटी थे वो, पंजाब के लोग थे जी, जी, अच्छा, और कुछ ये थे बोरा कमेटी के लोग थे जी, तो वो लोग थे, रमजू मियाँ थे, दीन मोहम्मद थे, समझ उन लोग थे, तो बहरहाल मुल्लाजान बहुत बाद में आया, लेकिन मुल्लाजान की खिदमत को फरामोश नहीं आ सकता, चूँकि उन्होंने बिलौस खिदमत की, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शादी भी नहीं की, और जितने भी मुस्लिम इदारे थे तमाम इदारों को वो समझ लीजिए कि उनकी एक आवाज़ पर लोग लब्बैक कहते थे और चंदा देकर लोग काम जो होता रहा करते थे, इसलिए उनको ज़रूर हम लोग ध्यान में रखे हुए हैं, तो एक
संगमरमर का हम लोग एक तकिया बना रहे हैं, उसमें तक नाम लिखवाएंगे जो जो लोग इससे सबका दिनों में जुड़े रहे हैं, जिनके कुर्बानी रही हैं इसके लिए, इंशाल्लाह उनका नाम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।